तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साम सॉल्यूशन हैं। दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग दोनों थ्री फेज मोटर को सिक्वेंसली कैसे स्टार्ट करें, या आप दोनों किसी भी मोटर को कैसे पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों काफी इन्फॉर्मेटिव है। जो लोग दोस्तों इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, या जो लोग दोस्तों अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो और या फिर जो लोग खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी स्टार्टअप, मान लीजिए कोई पैनल का जो स्टार्टअप है, वो लोग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों चीज आप लोगों को दोस्तों सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों मैं पीएलसी का कोई भी लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक्सप्लेन करूंगा आरएलसी पैनल का सर्किट। ठीक, ठीक है, तो चलिए हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा, ये है हमारा एक मोटर और ये भी है हमारा एक मोटर। ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉन्वेयर। ठीक है, अभी ये मोटर को हम लोग मान लेते हैं M1 और ये इसको मान लेते हैं हम लोग M2। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो M1 है, ठीक है, M1 है, M1 और M2 को हम लोग एक साथ हमको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ इसको एक ही स्पीड में, एक ही डायरेक्शन में घुमाना कर पड़ेगा, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कन्वेयर है ये दोस्तों रोटेट करेगा। ओके, आप लोग दोस्तों समझ गए कि एम और एम टू को इस टाइप से हम लोग को एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा और एक ही समय में हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे क्या हो कि हमारा कॉन्वेयर का बैलेंस हो और हमारा कॉन्वेयर दोस्तों घूमते रहे। ठीक है, और ये दोस्तों जो कॉन्वेयर है, ये कॉन्वेयर दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और बहुत ही ज्यादा लोड लेगा। और जब दोस्तों लोड लेगा, अगर किसी भी मोटर में लोड आएगा, तो हमारा दोस्तों कॉन्वेयर है तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप को हमको एक एक दोस्तों पैनल ये डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमको दोस्तों हमारा क्लाइंट ने बोला कि चलिए हमको इस टाइप का पैनल डिजाइन करके दीजिए, जहां पर क्या होगा कि पैनल में दोस्तों एक क्या होगा हमारा ऑन बटन होगा, ये एक ऑन पुश बटन होगा, एक होगा हमारा ऑफ पुश बटन। ठीक है, और एक जो आएगा, एक होगा हमारा ऑन लैंप, लैंप होगा जो लैंप होगा, और एक होगा दोस्तों ट्रिप लैंप हमारा। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों बाजार भी रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो जब भी ये कन्वेयर बंद होगा तो ये बाजार बजने लगेगा। तो हमको इस टाइप का पैनल ड्रॉ करना है। ठीक है, और हमको इस टाइप का पैनल हमारा क्लाइंट को बना के देना है। तो हम लोग कैसे बना के देंगे, तो दोस्तों इसीलिए क्या होगा कि दोनों मोटर का इसमें क्या होगा, किसी पैनल आपको बनाने के पहले दोनों दो चीज जानना पड़ेगा कि एक हम लोगों किसी पैनल का, ये है हमारा पैनल, पैनल का दोस्तों दोनों चीज होता है। एक होता है हमारा पावर सर्किट, पावर सर्किट, और दोस्तों और एक होता है हमारा कंट्रोल सर्किट। और दोस्तों ये दोनों जो है दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का काम दोस्तों एक साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं हमारा पावर सर्किट। तो पावर सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आ गया हमारा, मैं यहाँ पर थ्री फेज मोटर यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग सिंगल फेज मोटर यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर दोस्तों सिंगल फेज टू थ्री फेज VFD देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा RY और बी फेज आएगा। तो थ्री फेज जो है हमारा, थ्री फेज लाइन है ये हमारा, और थ्री फेज में हम लोगों को तीनों फेज हम लोग यहां से लगा लेते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट दो दो करके दोनों एकदम पैरेलल होता है। ठीक है, हम लोग ये एक ही फेज से ले रहे हैं, इसलिए दोस्तों फेज डिफरेंस ना के बराबर है। ठीक है, ये हमारा मेन बास बार है, बास बार से हम लोग ये लाइन खींच रहे हैं। खींचने के बाद हम लोगों को दोस्तों ये जो लाइन है ये हमारा डायरेक्ट जाएगा हमारा MCB में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा MCB ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया हमारा MCB, ये जो है ये है वो हमारा MCB। ठीक है, तो हम लोग हमारा MCB ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद तो हमको उस चीज मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करना है, तो हमको यहाँ पर लगेगा कॉन्टैक्टर। ठीक है, जो चलिए हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों तरफ दोस्तों सेम होगा, और दोस्तों दोनों तरफ जितना भी दोस्तों कंपोनेंट लगेगा, तो उसका जो पावर और वोल्टेज रेटिंग है ये दोस्तों हर टाइम दोस्तों समान रहेगा, नहीं तो दोस्तों जो डिसबैलेंस है वो हो सकता है। ये एक कॉन्टैक्टर को हम लोग मान लेते K1 और एक को मान लेते K2।
और फिर दोस्तों आएगा हमारा ओवरलोड रिले, ठीक है, OLR, ठीक है। ओवरलोड रिले का काम ये होता है कि मोटर अगर ओवरलोड हो जाए किसी भी तरह से, तो ओवरलोड रिले क्या होता है कि उसको दोस्तों तुरंत ही बंद करके मोटर को दोस्तों सेव कर लेता है, नहीं तो मोटर का वाइंडिंग दोस्तों जल सकता है, मोटर का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा OLR, OLR1 और OLR2, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो दोस्तों चला जाएगा हमारा मोटर में, ये हो गया हमारा M1 मोटर और ये आ गया हमारा M2 मोटर, ये हो गया हमारा दोस्तों इसका पावर सर्किट। तो हम लोग दोस्तों पावर सर्किट तो कर लिया रेडी, अब चलिए कंट्रोल सर्किट को हमको करना पड़ेगा रेडी। अब दोस्तों कंट्रोल सर्किट को हमको रेडी करने से यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कंट्रोल सर्किट आप लोग दोस्तों डायरेक्ट K1 और K2 लगा सकते हैं, और ये K1 K2 कंट्रोल करने के लिए आप लोग वहां पर एक रिले भी लगा सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बना के। तो कंट्रोल सर्किट में क्या होगा, एक हमारा लाइव बस बार होगा और एक होगा हमारा न्यूट्रल बस बार, ये हो गया, ये दोनों बस बार होगा। जैसे हम लोग दोस्तों सीखे हैं कि PLC का लैडर टाइप का, ये लैडर टाइप का ही है, एकदम सेम टू सेम, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और यहाँ पर आएगा हमारा दोस्तों स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन हमेशा ओपन कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। ये होगा हमारा स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, और फिर आएगा हमारा स्टॉप पुश बटन। तो स्टॉप पुश बटन हमेशा दोस्तों क्लोज सर्किट होता है, ठीक है, ये दोस्तों आप चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आएगा हमारा OLR1 और OLR2, OLR1 और OLR2, क्योंकि ये हमारा ओवरलोड दोस्तों रिले है, तो ये ओवरलोड रिले हमको दोस्तों OLR1 और OLR2 जो है ये दोस्तों हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा। जब किसी भी में अगर ओवरलोड आएगा तो वो दोस्तों तुरंत ही काट हो जाएगी इसीलिए। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक रिले देता हूँ, आप लोग ये चाहे तो नहीं भी दे सकते, तो यहाँ पर मैं एक रिले देता हूँ के करके। ये रिले मैंने इसीलिए दिया क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल निकल के मैं लगा देता हूँ एक लैम्प, ये हो गया हमारा ऑन लैम्प। अभी तो ये सर्किट को हमको लैच करना पड़ेगा, तो क्या होगा, के का यहाँ पर मैं दोनों को निकल के ये के का एक मैं एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। जब भी हमारा के रिले एक्टिवेट होगा तो ये एनो NC में बदल जाएगा और हमारा सर्किट दोस्तों लैच हो जाएगा और हमारा लाइट जो है ऑन होगा। अभी तो ये तो बन गया हमारा सिस्टम। अभी जो के है, के का दोस्तों ट्रिप का सर्किट हमको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो के जो है, ये जो सर्किट है ये हो गया हमारा के का NC, NC से डायरेक्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पर लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों दोनों चीज से हम लोग एक होता दोस्तों हमारा ट्रिप लैम्प और एक होता दोस्तों हमारा ट्रिप बाजार, दोनों दोस्तों एक साथ ही हम लोग NC में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और एक जो चीज होगा ये है हमारा के का एनो, ठीक है, ये होगा हमारा के का एनो को हम लोग दोस्तों कनेक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर K1 में, और एक एनो हम लोग ले लेते हैं के एनो, हम लोग कनेक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर K2 का कॉइल में, ठीक है। ये बन गया हमारा कंट्रोल सर्किट। मैं आपको यहाँ पर K1 है ये वाला कॉन्ट्रैक्टर, और K2 है ये हो गया दोस्तों हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्टर। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग पावर सर्किट भी डिजाइन कर लिया, कंट्रोल सर्किट भी डिजाइन कर लिया। अब जो हम लोग ये सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा लैम्प होगा क्या होगा, ऑन होगा। तो और हाँ, यहाँ पर दोस्तों जब भी हम लोग इसको स्टॉप करेंगे तभी हमारा ट्रिप लैम्प और ट्रिप बाजर बजने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज को हमको एवॉइड करने के लिए तो हमको पूरा जो सर्किट है, पूरा सर्किट को बाहर से स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया, इससे क्या होगा कि दोनों मोटर एक साथ ही ऑन होगा सेम स्पीड में। हाँ, यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि M1 का जितना भी दोस्तों रेटिंग है मोटर का, वो दोस्तों M2 का इक्वल होना चाहिए, नहीं तो ये सर्किट डिसबैलेंस हो जाएगा और हमारा सर्किट हो जाएगा पूरा लॉस। इसमें जितना भी इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट दोस्तों
एक ही साथ दोस्तों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बैलेंस दोस्तों हमारा बना रहेगा और ये हमारा जो सिस्टम है ये चलता रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सेम सिस्टम है इसको हम लोग कैसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। और ये जो सर्किट बोला जाता है, ये सर्किट को बोला जाता है डॉल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। ये सर्किट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल में अप्लाई होता है। आप इंडस्ट्री लेवल में जाइए, किसी भी जगह में जाइए, डॉल स्टार्टर बहुत ही ज्यादा अप्लाई होता है। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो होगा दोस्तों, इसका हम लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इसका हम लोग बैकवर्ड भी कर सकते हैं, उसका कंट्रोल सर्किट और उसका पावर सर्किट, और उसके साथ साथ आर डॉल स्टार्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रिवर्स डॉल स्टार्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्यूचर में जो अच्छा अच्छा मैं वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।